हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी। ये ले आई हूँ मैं भगवान जी के वस्त्र। इनका बनता है पर्दा और बिछौना मैचिंग से लेकर आई हूँ। इनका बनेगा भगवान जी का वस्त्र। और ये लेकर आई हूँ मैं लैस, ये देखिए, और इनसे सिलूंगी भगवान जी के कपड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको काटते हैं सबसे पहले और उसके बाद इनके वस्त्र बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारे भगवान जी के वस्त्र बन के कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए बन गया हमारे भगवान जी का झबला। ये बनाते हैं इस तरीके से। जो लेस लाई थी वो देखिए, उसको इस तरह से कस्टमाइज करके लगाया है। हमारे भगवान जी थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इनके वस्त्र जो है मार्केट में इस तरह के नहीं मिल पाते हैं, तो मुझे बड़ा सा सिलना पड़ता है। हस्बैंड असल में पहना के और फिर ये वाला घेर ऐसे करके पीछे बैक से लगाते हैं ना, तो खूब बड़ा सा आ जाता है, तो बहुत सुंदर लगते हैं भगवान जी। और ये बन गया है इनका पटका, जो कि ये ऊपर से ओढ़ते हैं ऐसे करके। शाम को जब बदलेंगे वस्त्र पहनेंगे तो आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर लगते हैं। ये हमारे अन्नपूर्णा जी की आसनी है, बन गई है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है, देखिए। इसी तरह कस्टमाइज करके बनाती हूँ हर बार। और ये हमारे छोटे छोटे भगवान जी और जो नीचे सब लोग बैठते हैं ना, ये उनकी आसनी है। तो इस तरह पतली पट्टियाँ उनके नीचे लगानी पड़ती हैं। और इसी तरह मेरे छोटे कृष्ण भगवान हैं और यशोदा जी हैं, तो उनके लिए भी बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैं बाजार गई थी ना और सारी खरीदारी करने, तो मुझे उनके लिए कुछ और सुंदर वस्त्र मिल गए थे, तो मेरा मन नहीं माना तो मैं ले आई। ये मेरे यशोदा जी का जो है वो लहंगा और चुन्नी है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। कलर भी बिल्कुल मोर पंखी वाला जैसा सारा लुक दिया गया। और ये हमारे कृष्ण भगवान माँ बेटे हैं, तो उन्हीं से मैच मैं ये पूरा जोड़ा लेकर आ गई हूँ। तो ये कृष्ण भगवान की धोती है, ये देखिए। और ये उनका ऊपर का अंग वस्त्र है, ये देखिए। और ये है उनका दुपट्टा बाघा, जैसे मैंने ये वाला बनाया है ना, ये देखिए बड़ा वाला, ये जैसे लड्डू गोपाल जी का बनाया है ना मैंने, ये देखिए ये वाला, उसी तरह ये उनका जो है बाघा है। तो इस तरह से है, ये हमारे वस्त्र सारे तैयार हो गए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी कढ़ाई कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए। और जन्माष्टमी थी तो मैंने सोचा ब्लू कलर बनाते हैं इस बार भगवान को, इतना डार्क वाला ब्लू पहनाते हैं। वेलवेट का कपड़ा और बहुत पतली वेलवेट है, भगवान को इसमें जो है गर्मी नहीं लगेगी, बहुत देख कर लाई हूँ। बहुत ही पतला, बहुत ही सॉफ्ट सा वेलवेट है ये। और ये इतनी सुंदर कढ़ाई हो रखी है इसके ऊपर, ये देखिए। और ये वाली लेस लेकर आई हूँ मैं, जो कस्टमाइज करके बनाई है, ये देखिए। ये दो तरह की लेस है, ये बीच में रेड वाली दूसरी है और ये गोटा दूसरा है। तो इस तरह करके कस्टमाइज करके बनाती हूँ। तो हमारे भगवान जी के वस्त्र कैसे लगे आपको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। हर साल सिलती हूँ, भगवान जी को शुरू में ही लगा दिया है। आप देख लीजिएगा कि जो वस्त्र भगवान जी पहने वो भी मेरे हाथ के सिले हुए हैं। और हर साल मैं इसी तरह भगवान जी के, हर साल क्या, साल में तीन बार हमारे यहाँ भगवान जी के वस्त्र बनाए जाते हैं। एक रामनवमी में बनते हैं, एक जन्माष्टमी में बनते हैं और एक बसंत पंचमी में बनते हैं। तो ये तीन बार न्यू कपड़े बनते हैं। बाकी और भगवान जी के इतनी पोशाकें हमारे पास इकट्ठा हैं, जो कि साल में तीन बार बनती हैं। तो आप मतलब कभी भी जो भी ओकेजन पड़े, आप कभी भी भगवान जी के वस्त्र बदल सकते हैं। और इसी तरह मैं ला के कस्टमाइज करके भगवान जी के वस्त्र बनाती हूँ। तो कैसे लगे हमारे भगवान जी के वस्त्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और शाम को जन्माष्टमी में जब उनका श्रृंगार होगा पहनेंगे, तब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि हमारे भगवान जी इन वस्त्रों को पहनकर कितने सुंदर लगते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे भगवान जी के वस्त्र कैसे लगे। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।